बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब से स्टार्ट किया हुआ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे जितने भी टेस्ट थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। जी टेस्ट बेसिकली सिंगल मीन के लिए, एन सिग्मा नोन अन नोन एंड लार्ज के लिए, डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए, प्रोपोर्शन सिंगल के लिए अगर एन लार्ज हो, और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए। आज हम जो करने लगे हैं टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, ये हमारा जो बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है, लेकिन इसमें हमारा जो एन स्मॉल होगा, एन लार्ज नहीं होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे कर लिए हैं, तो आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा आइडिया होगा कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसमें हमारे पास दो आउटकम होते हैं, दो पॉसिबल वेज होते हैं आपका जो बेसिकली या फेलियर किसी चीज़ की या सक्सेस, दो ही ऑप्शन होते हैं बेसिकली। देर आर मेनी एप्लीकेशन इन बायोलॉजी वेयर वन इज कन्फ्रंटेड विद डाटा डेट फॉल इन टू वन ऑफ द टू कैटेगरीज, मेल फीमेल हो गया, डेड अलाइव हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, किसी भी चीज़ के जब दो ऑप्शन होते हैं तो बेसिकली वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। दिस सिचुएशन फॉल्स इन टू अवर प्रीवियस कॉइन फ्लिप एग्जाम्पल्स इन इन द पॉपुलेशन, देर विल बी फिक्स प्रपोर्शन। अब कॉइन जो आप उसको फ्लिप करते हैं, हेड आता है या टेल आता है, इसके भी दो चांसेज होते हैं आपके पास। इन द पॉपुलेशन देर विल बी फिक्स प्रपोर्शन दैट फॉल इन टू द कैटेगरी पी इन द बैलेंस फॉर द डेफिनेशन वन माइनस पी। ये सक्सेस हो गया और ये उसकी फेलियर हो गई, इसको आप सक्सेस फेलियर के तौर पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, आपने देख लिया था जब आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, लेकिन आपने सारा जो है स्पेसिफिक उसके क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट इसका जो है बेसिकली ये क्या आ गया, अगर आपने एनसीएक्स है तो उसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं फर्दर। नेक्स्ट आ गया टेस्ट फॉर बायनोमियल पैरामीटर प्रोपोर्शन, अगर इसके छः स्टेप होते हैं, आपको मैंने बताया था हर टेस्टिंग प्रोसीजर के सिक्स स्टेप होते हैं, आपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने लिखना है, आप जो है बायनोमियल की बेस पे है, नॉर्मल की है, जी लगा रहे हैं, टी लगा रहे हैं, जो भी आप लगा रहे होते हो वो भी लिखना होता है। नेक्स्ट उसके बाद कंप्यूटेशन करनी है, पी वैल्यू की बेस पे क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन करना है आपने लास्ट में। ये सिक्स स्टेप्स ही होते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास एक एग्जाम्पल, अ बिल्डर क्लेम्स डेट द हीट पम्प्स आर इंस्टॉल्ड इन 70% ऑफ ऑल होम्स बींग कंस्ट्रक्टेड टूडे इन द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीना, वुड यू एग्री विद द क्लेम डेट इफ रैंडम सैंपल। अब बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम क्लेम ही कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा है क्लेम पॉपुलेशन का जो है प्रोपोर्शन ये है, न्यू होम्स इन दिस सिटी शोड आउट 8 out of 15, एन आपका हो गया टोटल 15 हो गया आपका एन, 8 हो गया उसमें से एक्स, हीट पम्प इंस्टॉल्ड। अब ये इसमें देखिए एन स्मॉल है तो इसलिए हम बायनोमियल बेस जो है टेस्ट कर रहे हैं, जब हमारा एन लार्ज होता है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड टेस्टिंग करते हैं, और अल्फा इसमें 0.10 हो गया। अब इसमें हमने सबसे पहले तो हाइपोथेसिस लिख लिया, नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू लिख ली, इसके बाद एन की पी की वैल्यू सारी लिख ली, और पी वैल्यू और जो है सारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर हम एसपीसीस पे इस तरह से करेंगे, हम डाटा एंटर करेंगे और ये कमांड्स इस पर लगा के जो अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम एसपीसीस पे, एसपीसीस पे मैंने डाटा पहले ऑलरेडी एंटर कर लिया है आपके पास जो है, उन्होंने खुद बताया कि आपके पास जो है पंप जो है उसकी एक की फ्रिक्वेंसी है 8, और इसका मतलब सेकंड वाले की होगी 7, क्योंकि टोटल है आपके पास 15, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा टोटल। अब मैंने एंटर कर लिया वेरिएबल व्यू में जाके पंप, और नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर ली, फ्रिक्वेंसी में फर्स्ट वाले की फ्रिक्वेंसी 8 आ गई, सेकेंड वाले की उसका मतलब है हम टोटल में से माइनस करें तो ये 7 आ जाएगी। जब फ्रिक्वेंसी होती है तो मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डेटा वेट केसेस, वेट केसेस बाय फ्रिक्वेंसी हम करेंगे और ओके कर देंगे। अब वेट केसेस करने के बाद नेक्स्ट जो है कमांड लगाएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसकी जो है बेसिक स्टेप्स के हैं। आपने प्रोपोर्शन लिख लिया, एन एक्स अल्फा की वैल्यू लिख ली, नेक्स्ट के बाद पंप फ्रिक्वेंसी 8 और 7 लिख लिया, ये प्रोपोर्शन इस तरह से आ गया अल्फा की वैल्यू, बायनोमियल टेस्ट आपने लगाना है, कैलकुलेशंस में आपको जो है ये एंटर एक्स पी सारी कर ली, वेट केसेस कर लिया, कमांड्स में आ गए तो आपके पास एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेगेसी डायलॉग्स बायनोमियल टेस्ट आप लगा रहे हैं, लिस्ट में पंप ले गए, टेस्ट प्रोपोर्शन 0.7 ओके, और उसके बाद आपके पास पी वैल्यू आ गई, उसकी बेस पे आप कंक्लूजन कर लेंगे। नेक्स्ट हम गए एनालाइज पे, वेट केसेस बाय एफ हमने कर लिया, एनालाइज के बाद नॉन पैरामीट्रिक पे चले गए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बाद आपने क्लिक कर दिया लेगेसी डायलॉग्स पे, लेगेसी डायलॉग्स के बाद आप बायनोमियल पे चले गए, बायनोमियल के बाद आपने जो है
टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में पंप को मूव कर दिया, क्योंकि वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी तो कर लिया, फ्रीक्वेंसी को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद टेस्ट प्रोपोर्शन पे आ गए, टेस्ट प्रोपोर्शन में 5% नहीं, आपका जो है 0.70 आपने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि आप ये वैल्यू आ जाएगी पी वैल्यू, ठीक है 0.13, इसकी बेस पे आपने जो है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आपने पी वैल्यू लिख दी और लेस देन ये अल्फा है, तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक्सेप्टेशन नोट कर लिया। फर्दर आपके जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इसमें गिवन है, देखिए अशोक पीपल क्लेम दैट मोर देन 60%, इसका मतलब है ग्रेटर देन 0.6, पी ग्रेटर देन 0.6 आपका एच वन में आ जाएगा, उसका ऑपोजिट एच नोट में आ जाएगा। रैंडम सैंपल ऑफ 100 कस्टमर, ये एन हो गया, ये एक्स हो गया, टेस्ट द शॉपकीपर 10% क्लेम सिग्निफिकेंस लेवल, और इसको फिर आप जो है 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे करेंगे। अब इसको आप जी जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बाइनोमियल से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें 4% आ गया, ग्रेटर देन लेस देन 4%, और उसका ऑपोजिट एच वन में एन गिवन है आपको, एक्स की वैल्यू गिवन होगी, और उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और आप देख लेंगे इसको कैसे करेंगे। इसी तरह से आप जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें एटमोस्ट का मतलब है आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25, और उसका ऑपोजिट एच वन में नेक्स्ट आपका एन है, एक्स है, और 5% लेवल सिग्निफिकेंस है, इसको भी आप जो है बायनोमियल टेस्ट के थ्रू कर लेंगे। ये क्वेश्चन है कंडक्ट अ सर्वे अमंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस इन द फ्लेडर्स रीजन, 295 रिस्पॉन्सेज ऑफ द रिस्पॉन्डिंग 90 इंडिकेटेड दैट दे हैव परफॉर्म्ड एट एटलीस्ट केस। अब ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड कर लें तो आपको जो है चीज़ें इसमें से सबमिट कर लेंगे। कैसेरियन सेक्शन ओनर, सीजेरियन सेक्शन ओनर डिमांड एवरी ईयर, अब इसमें से आपने अल्फा देख लिया और बाकी सारे जो है लेस देन 35% का मतलब है आपका जो एच वन हो गया, एच मोट उसको ऑपोजिट लिख लिया, अल्फा की वैल्यू लिख ली, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज लिख के आपने इसको एस पी एस एस पे सोल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद, इस क्वेश्चन में आपने डाटा आपको गिवन है, तो आपने जो है सारी पहले चीज़ें इसमें से लिख ली, एच नोट, एच वन, अल्फा लिख लिया। अब यहाँ पे देखें येस नो की फॉर्म में दो ही ऑप्शन गिवन है, येस या नो, इसमें आपने उसी तरह से डाटा एंटर करना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि आपने एक आप रख लेंगे ऑनलाइन शॉपिंग नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे, फ्रिक्वेंसी में येस वाली कौन सी है, नो वाली कौन सी है, और नेक्स्ट उसके बाद आपने जो सेम जो है प्रोसीजर के थ्रू इसको भी कर लेना। सिमिलरली इसमें भी आपको जो येस नो की कैटेगरीज गिवन है और आपके पास 20 n है, तो इसको भी आपने रीड करके इसी तरह से क्वेश्चन करना है। आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है और एक आप बना लेंगे स्टेटस का, और इसमें भी येस नो आप काउंट कर लेंगे, येस कितने हैं, नो कितने हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, वेट केसेस करेंगे, और नेक्स्ट जो सेकंड कमांड है उसके थ्रू आप उसको रन कर लेंगे। इस तरह से आपके जो है प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन आपको हेल्प अप करेंगे। अगर इसके बाद क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।